ये गरम पगरे जदि आपन को किछि नुवा खाइबा को इच्छा होउछि किछि टेस्टी रेस्टोरेंट जाय खाइबा को इच्छा होउछि आपन जाई पारु नांती ताले ए रेसिपी को फुल वाच करंतु पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल ल मु आज आपन मानक सते शेयर करबि। सोयाबीन कोरमा बहुत ही कम तेल मसला रे आउ रेस्टोरेंट थारु मध्य आउरी टेस्टी रहइबो बहुत ही हेल्दी मध्य रहइबो। कम मसला रे मु आज शेयर करबि देखि के आपन माने भाबुतबे एथरे बहुत ही मसला लागिछि किंतु कम मसला रे ही आको मु बनेइ छि आउ पूरा कम रु कम जिंस रे ही पूरा क्रीमी टेक्सचर देपाईका वीडियो को आपण मैंने शेष पर्यंत देखूँ। आशा करी कि आज रेसिपी भल लगे जदि भल लगे वीडियो टी लाइक करने शेयर करेंगे आदि भल लगुच वीडियो को निश्चिंत लाइक करने सहित चैनल को मध्य सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार प्रीति ओडिया किचन को आप समस्त को अनेक अनेक स्वागत। प्रथम तो सोयाबीन कोरमा बनवापैंका आम ये सोयाबीन को प्रथम बॉइल कर ना से गैस अन करके बसई नहीं थी पानी पानी आम भल भाव गरम हो सारीपर ये मुझे सोयाबीन को दे दूसरी। सोयाबीन को आम पांच मिनिट पर्यंत बॉइल कर ना तादर सोयाबीन आम पूरा सॉफ्ट होकर फुली ये आपखिपे सोयाबीन तार साइज टी डबल हो गला फुली गला ये आम भल भाव सोयाबीन आम सॉफ्ट हो गला काढ़ी नवा आपको आम गरम पा को निगाड़ी आम थंडा पा एद देखो ये टी थाला मो हाथ में भल भाव या चुपुड़ी नौ तार जहाँ एक्सट्रा पा अच्छी भल भाव बाहर करपर ताक गोटे प्लेट को रखि नौपरिका आपने प्रथम रू सोयाबीन को हाल्के टी बॉइल करने पांच मिनिट पर्यंत पांच मिनिट रु अधिक बॉइल करें पांच मिनिट रे ही भल भाव यहाँ बॉइल होपर आपने भल भाव हाथ में चिपुड़ी ने देखिपे भल भाव हाथ में मुझे चिपुड़ी गोटे सैड कर नौपर ये देखो गोटे बड़ बाउल को यहाँ काढ़ी नौ गोटे गहरी जगह को आपने काढ़ी ने आम कि मसला एड करवाईका मसला गोलैपाईका मुझे गोटे बड़ जगार रखि नौ। प्रथम तो मसलार मुझे देदेगी स्वाद अनुसार लुण मैंने तरकारी आमको जी लुण लगे से हिसाब से आपने लुण नहीं जापर ये मुझे अध चामच रू टे कम दे हलदी गुंड सहित ये गोटे चामच देदेवी लंका गुंड सहित ये आम दवा धनिया गुंड गोटे चामच धनिया गुड़ देखो ये गोटे चामच दे देपे आम ये दबा अदा रसुण पेस्ट बा अदा रसुण छेचा मुझे अदा रसुण छेचा नहीं चाहिए अदा रसुण पेस्ट देपारे एक सब दे सारापर आम ये दबा दही दही देखु दही ये पूरा फ्रेश दही ने खट्टा दही आपने बिल्कुल भी यूज करेंगे नहीं फ्रेश दही ने और दही को आपने प्रथम भल भाव फेंटी ने फेंटिक ही आपने आड करेंगे और यहाँ दही पखापाखि मोर 200 ग्राम दही हम गोटे बाउल दही मुझे आड कर 200 ग्राम हम आपने चाहिए जब अधिक क्वांटीटर नौले दही क्वांटीटी टी बढ़े पारे आउ दहीटा आम पूरा क्रीमी टेक्सचर दब यही तरकार पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल आम बनवा बिना क्रीम रे मध्य तरकारी आमर बहुत ही बढ़िया क्रीमी क्रीमी होगी बनी पार निश्चिंत आपण मैंने रेसीपी को फुल वाच करूँ आ घरे निहाती थरे बनातु केमी बनला मत कमेंट सेक्शन में आपण मैंने निश्चिंत जनइबे एवं आम सब मसला दे सारापर या भल भाव मिक्स कर ना ये देखते सोयाबीन सहित भल भाव मिक्स करी आपको आम 10 रु 15 मिनिट पर्यंत पूरा छाड़ी ना रेस्ट करें देखिपे ये आम भल भाव गोल आपको आम 15 मिनिट पर्यटन तो पूरा रेस्ट करने को छाड़ीदा ताबर चलते नेक्स्ट प्रिपेयर करवा एबी मुझ गैस ऑन करके बसई नहीं कढ़ई से मुझे दुई चामच तेल तेल ये गरम होगापे प्रथम भाजवा पिज मुझे किसी कटा पिज को नहीं पिज को ये मानने दुईट पिज नहीं दुईट पिज को मुझे बड़ बड़ सैज्र कर रखी आपण मैंने जब अधिक क्वांटीटर बनाऊँचे टी अधिक पिज आपण को लगपर कि कम क्वांटीटर बनाऊँच मुझे गोटे बड़ पिज नहीं सहित तो गोटे छोट पिज को लेकिन मुझे टी बड़ बड़ सैज करनी काटि सारापर या पकई ना देखो हाल्का आपको टी गोल्डन करके भाजवा देखो ये समय आपने हाई फ्लेम करें मीडियम फ्लेम करके पिज को भाजने एवं देखो आम यहाँ पूरा गोल्डेन होजी हो गला स्टेज पर्यन ही पिज को भाजबे आठ अधिक करके भाजबे एतिक भाजीगलापर या काढ़ी ना आपको आम काढ़ गोटे प्लेट को काढ़ी ना जितेबाला यहाँ भल भाव पिज थंडा होना तापर आपको मिक्सिंग जारे देखिए भल भाव पूरा पेस्ट करनी आर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसता है पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल आपण मानक फिल हम आउ रेस्टोरेंट
मध्य एमिति ही बनई थांती आको हमें साइड रखिबा देखंतु कढ़ेरे हमर तेल बंजी जाई छी सेई तरह ही हमें आलू पके के भाजी नबा आपण चाहिले ए रेसिपी रे आलू पके परबे नाही तो आपण खाली सोयाबीन ने मध्य बनई परबे जेतु आलू टिके मते पसंद सेति पई मु आलू देखि ए तरकारी के बनाउ छी आपण चाहिले बिना आलू रे मध्य बनई परबे यही आलू को मध्य पूरा गोल्डन करके भाजवा भल भाव आलू भाजी हो गले तार टेस्ट बहुत ही भल आए भजा आलू जो तरकारी बना देना खावाक बहुत ही भल लगी से आम या भल भाव भाजिकी नवा एवं देखूँ आलू आमर बहुत ही बढ़िया से भाजी हो गला आलूर सैज आपण मैंने इतक ही रखिए आठ बेस बड़ बड़ कर रखे तेल लुक ये भल देखा एवं देखूँ से कढ़े मुझे गोटे चामच तेल देदे तेल देलापर आम गोटा मसला किसी दवा प्रथम तो ये देखो गोटे तेजपत्र देदेपर ये गोटे स्टार फूल देदे सहित ये दूसरी किसी गोलमरीच चार पांचटे ये गोलमरीच रखी आपण मैंने चाहिए देपर ना तो स्कीप करेंगे कि जदि दिखती गरम मसला ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसब ए देखो ये नहीं गोलमरीच गोलमरीच दे सारापर ये मुझे लवंग दुई रु तीनो देपर ये मुझे जायत्री खंडे देपर देखूँ गोटे गुजराती को एमती खोला करके पकई नहीं आर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए सहित ये मुझे जीरा पकई नौ आपन चाहिए नॉर्मल जीरा पकई पारे ये सब पकेबा द्वारा ये मसला आर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आसी जाए तेल ये तरकार बासना आहरी बढ़ी जाए निश्चिंत ये गरम मसला सब पकईक आपने बनातु खावा को आपण मानक बहुत ही भल लगे एवं देखते आम हाल्का टी भाजीदे भाजी होगा पूर्व आम जो पिज को भाजीदे मुझे भल भाव देखते मिक्सिंग जार दे कि पेस्ट बनई नहीं आम या एड कर नवा और मिक्सिंग जारे गोटे रु दुई चामच पानी दे कि मुझे एबे आपको भल भाव मिक्स कर नवा ये देखु आर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसब जी आपत पिज को भाजिकी नौ कंचा पिज बाटिकी ने भी चलो कितनी भाजिकी ना तार टेस्ट बहुत ही भल आए आपण मानक पूरा रेस्टोरेंट टेस्ट ही आसब मुझे आपण मानक भिडियो देखिए सेमती ही थे बन देखु एवं आम ये देद गोटे चामच कसूरी मेथी पत्र सहित अध चामच देद गरम मसला एतिक मसला दे सारापर या भल भाव मिक्स कर नवा आउ ये पिज बटा दे सारापर या बेसी समय कुक करा दरकार नहीं कारण आम प्रथम पिज को भल भाव भाजिकी नहीं हालाका टी आपको मिसई नवा भल भाव टी गोल नवा दुई रु तीन मिनिट हो गलापर आम जो मैरिनेट कर रखी सोयाबीन को ताकू आम एड कर नवा एबे ये देखंतु 15 मिनिट हो जाए जी सोयाबीन को रेस्ट करिबार सोयाबीन आमर भल भाव 15 मिनिट रेस्ट कर सारापर ये मुझे आड कर नौ और निहाती आपण मैंने 15 मिनिट पर्यंत ही सोयाबीन को मैरिनेट कर रखिबे ताहले यार टेस्ट बहुत ही भल आसिबो एबे आमे सब सोयाबीन को मैरिनेट कर रखी जो ताको दे दैछे दे सारापर या भल भाव मिक्स कर नबा पियाज बटा सहित मैरिनेट कला समय सोयाबीन को आम सब मसला से लंका गुंड धनिया गुंड लुण आ हल्दी गुंड दे आउ सब आमको ये किसी दबाक पड़बनी डायरेक्ट ही आपको आम मिक्स करवा मिक्स करके लिड को कभर करके भल भाव कसईवा जिते भल भाव कसईबे ना आर कलर आपण मैंने देखिए धीरे धीरे ये चेंज हो आसो आम लिड को कभर कर नवा चार पांच मिनिट पर्यंत भल भाव कसी हे छाड़ीदे आउ दही सहित कसी हे जो सोयाबीन ना आर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आसब आ समय ना बास्ना एत सुंदर आसूला पूरा रेस्टोरांटर बास्ना ही आसूला जमती रेस्टोरांट सोयाबीन आपण मैंने खाते सोयाबीन कोरमा ना पूरा सेमती ही आपण मन को फिल हे निश्चिंत थे बनातु घरे निश्चिंत आपण मन को भल लगे आशा करुच्छे देखो आपको आम पांच मिनिट पर मुझे काढ़ देखा आपण मानक आउ थे भल भाव मिक्स कर नहीं आम जो भाजिकी रखी आलू को आम यही स्टेज्रे देद आलु दे सारापर आउ थे आपको मिसई ना सब भल भाव मिसई ने मिसई सारापर या आम लिड को कभर कर नवा लिड को कभर करके आँच रु छ मिनिट पर्यंत भल भाव कुक करवा आउ ये जिते भल भाव ये कुक हम ना जिते भल भाव ये कसी हम तार देखिए आपण मैंने धीरे धीरे यार कलर मध्य बहुत बढ़िया से चेंज हो बहुत ही सुंदर कलर आसीज एवं आपको मुझे कभर करदे पाँच रु छ मिनिट पर्यंत छाड़ीदेवी छ मिनिट भितर आपण मैंने देखिए बहुत बढ़िया से यार लुक चेंज हो देखु पाँच रु छ मिनिट हो
6 मिनिट पर मुझे आपण लिड को काढ़ देखा ये देखु केते बढ़िया सुंदर कलर आखिपे सहित आम तेल उपरक आसीगलाने मसला भल भाव कषी ही आसला आम देखते भल भाव मिक्स कर नवा आई आपखिपे आपड़ चाहिए एमती कषा करेंगे ना तो आज जब ग्रेवि चाहूँ तेल ग्रेविपरें एवं देखते बढ़िया से आम मिक्स कर नवा यहाँ आम बहुत बढ़िया से आम कषी हो गला स्टेज में बहुत ही बढ़िया बास्ना आसूला निश्चिंत थे बनातु मुझ बार बार आपँ कह कारण ये टेस्ट बहुत ही भल थी रेसीपीर आ देखु ये मुझे गोटे कप दे दूँ पा पा आदि आपने अधिक देवे रेस्टोरेंट स्टाइल हिं आम बनाऊे से क्रीमी टेक्सचर रहा से कम पा दे बनातु अल्प आम ये पा दे मैंने गोटे कप ये मुझे पा दे सर आपको भल भाव में मिक्स कर नहींपर आम लिड को कभर करके आउ 8 रु 10 मिनिट पर्यंत आपको भल भाव फुटे नवा ये देखो 8 रु 10 मिनिट हो तरकारी आम बहुत बढ़िया से भल भाव फुटी जाइए आउ ग्रेवि देखूँ ग्रेवि आमर पूरा परफेक्ट अच्छी टिके मुझे अधिक झोलझोलिया कर रखी कारण जिते बड़े थंडा हाँ सोयाबीन आमर टिके पानी टाणी थाए से आहरी गाढ़ा से आपने प्रथम जी झोल रखा चाहूँ तरह टिके अधिक करके रखी था देखूँ आमर यहाँ पूरा बनिकी रेडीगला ये मुझे गैस को बंद कर नौले आपण मैंने तो देखिले के कम समय के कम जिनस बन पारे सोयाबीन कर्मा पूरा रेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल खाइबा को बहुत ही भल लगे आपने घर निश्चिंत बनातु केमी बनला मो सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आपण फैमिली और फ्रेंड का मध्य मत सपोर्ट करने चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे छोट बेल आइकन को प्रेस करूँ ताकि जहाँ नुआ नुआ भिडियो छाड़ी तार नोटिफिकेशन पाई से पर्यटन रोचे पुणी देखा नुआ भिडियो नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।